वजीर आजम इमरान खान बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का इजरा करेंगे, जिस पर बेरोजगार अफराद दरखास्तें जमा करा सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल मुख्तस कर दिए। फंड्स को बहरान से बेरोजगार अफराद की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के तहत इन अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कोरोना सूरत हाल पर अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लेने का फैसला। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने 4 मई को वीडियो लिंक इजलास तलब कर लिया। अरकान कौमी असम्बली अपने अपने हलकों के मसाइल और कोरोना सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर बात करेंगे। सिंध में लॉकडाउन पूरे रमदान जारी रहेगा। शाम 5 से 8 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। सिंध हुकूमत का ऐलान, ऑनलाइन कारोबार सुबह 8 तक दोपहर 3 बजे तक जारी रहेंगे। बरामदी सनतों को खोलने की इजाजत होगी। कराची में 5 से 8 मई तक समंदरी हवा बंद हो जाएगी। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहर में हीट वेव की पेशगोई कर दी। शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील की।